हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौड़ और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो भाई आज अपने पास है होंडा लिवो BS6 मॉडल और आज के वीडियो में करने वाला हूँ इस बाइक का राइड रिव्यू। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें कंफर्ट कैसा है, इस बाइक का पिकअप कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है, राइडिंग पोजिशन कैसी है। तो भाई बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में इस बाइक के बारे में। तो भाई पूरा वीडियो एंड तक देख लेना ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए और इस बाइक के बारे में जितनी नॉलेज आपको चाहिए उतनी मिल जाए। और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो किसी बाइक से रिलेटेड पूछ सकते हो, हाथ वाथ रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई सबसे पहले अपन चेक करेंगे इस बाइक का पिकअप, किस बाइक का पिकअप कैसा है, क्योंकि यार कोई भी बाइक होती है उसमें पिकअप काफ़ी मेन चीज़ होता है। और जो CD 110 थी उसका पिकअप मुझे कम लगा था और इसमें वही इंजन है लेकिन इसकी ट्यूनिंग अलग है। तो इसका पिकअप टेस्ट करेंगे अपन। फिलहाल अपन थोड़ा सा यहाँ पे चल रहे हैं, ये पुल के ऊपर है, ब्रिज के ऊपर है, तो उतरते टाइम तो यार पिकअप थोड़ा सा सही रहता सभी बाइक में ही। अभी नॉर्मल हो जाने दो, अपन जो सीधी सड़क आती है उस पर चेक करेंगे। बाकी यार बाइक काफ़ी अच्छी है ये, और सीटिंग पोजीशन तो यार इसकी एक नंबर है, कंफर्टेबल है बिल्कुल। मेरी हाइट है 5'11" और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही बाइक चलाने में। इंजन का जो रिफाइनमेंट है वो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, अभी काफ़ी रिफाइन इंजन है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है। तो यहाँ पे मैं यार ट्रैफिक ज़्यादा है, यहाँ पे कैसे पिकअप टेस्ट करें अपन, तो यहाँ पे पिकअप टेस्ट नहीं हो पाएगा यार, थोड़ा आगे खाली रोड पे करेंगे। बाकी अपन अभी बात करते हैं राइडिंग पोजीशन और कंफर्ट की। तो राइडिंग पोजीशन मैंने आपको बता दी है, हाइट 5'11" के हिसाब से भी काफ़ी सही है और शॉर्ट राइडर के लिए भी काफ़ी अच्छी बाइक होने वाली है, क्योंकि इसकी सीट हाइट है वो कम है। कंफर्ट इस पर अच्छा है, इसका जो सस्पेंशन है वो गैस चार्ज नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन ठीक है, इतना दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये अभी यहाँ पे ब्रिज आ चुका है एक और, तो यहाँ पे मैं इसका पिकअप टेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि पता चले यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा भगाते हैं बाइक को। तो यार इस बाइक का जो पिकअप है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी जल्दी स्पीड पकड़ लेती है। अगर अपन कंपेयर करें CD 110 से तो यार उससे तो काफ़ी अच्छा इसका इंजन है। हालांकि इंजन दोनों में एक ही है लेकिन इसका जो ट्यूनिंग है वो अलग है और इसका पिकअप भी उससे मुझे काफ़ी बेटर लगा। तो यार पिकअप के मामले मेरी तरफ से थम्सअप है इस बाइक को, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छी चल रही है। और अब इसके बाद अपन बात करेंगे थोड़ी सी ब्रेकिंग की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा खाली रोड पे ले आया हूँ बाइक को और यहाँ पे मैं थोड़े से ब्रेक लगा के चेक करूँगा। ये ड्रम वेरिएंट है, देखते हैं इसकी ब्रेकिंग कैसी है। पीछे कोई नहीं आ रहा, ठीक है ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ओके है, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है लेकिन ओके ब्रेकिंग है। सेकेंड में फिर से मैं 40 तक लेके जाऊँगा, 40-50 तक, और उसके बाद फिर से ब्रेक लगा के देखेंगे कि ब्रेक लगते हैं या फिर नहीं लगते। तो अभी 40 में है और ब्रेक ट्राई करते हैं, पीछे कुछ नहीं है। तो इसकी यार ब्रेकिंग थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे एज़ कम्पेयर टू CD 110, इसकी ब्रेकिंग थोड़ी सही है। तो भाई ब्रेकिंग टेस्ट कर लिया मैंने और राइडिंग के बारे में अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया कि ठीक है राइडिंग में अच्छी है चलने में। और अब जो लास्ट टेस्ट मेरा बस रहा है वो है वाइब्रेशन टेस्ट। तो भाई इस बाइक को मैं थोड़ा टॉप स्पीड तक चलाऊँगा और उसके बाद देखेंगे अपन कि इसमें कितना वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन टेस्ट भी करते हैं इसका। बाकी यार अभी तक तो चलाने में काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे ये बाइक, और अभी इसको थोड़ा टॉप स्पीड पे लेके जाऊंगा मैं। बाकी अभी जो मैंने चलाया था पिकअप के लिए 80 तक गई थी, उसमें तो वाइब्रेशन नहीं लगा था लेकिन वो कुछ टाइम के लिए गई थी 80 पे, और अभी अपन पूरा इसको चलाएँगे थोड़ा, फिर करता हूँ मैं।
एक चीज़ मैं बार बार नोटिस कराना चाहूँगा, इसका जो पिकअप है यार काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जल्दी बाइक मतलब ये स्पीड पकड़ लेती है। बाकी यार अपन अब कंपेयर करें थोड़ा सा इसको पैशन प्रो से, काफ़ी लोग मेरे को पूछते हैं पैशन प्रो वैल्यू फॉर मनी है या फिर ये है, तो यार बात ऐसी है कि वैल्यू फॉर मनी तो पैशन प्रो ही है, लेकिन ये बाइक भी ख़राब नहीं है। इसका इंजन का जो रिफाइनमेंट है, होंडा का जो रिफाइनमेंट है वो हीरो से अच्छा है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन सच यही है भाई कि जो जापानीज टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी बेटर है हीरो की एक्सेंस टेक्नोलॉजी से, और मैं पर्सनली इस बाइक को चलाने के बाद ही ये बोल रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारी बाइक चलाई है और आप मेरे को जानते हो कि किसी भी बाइक के बारे में अगर मैं कुछ बताता हूँ तो बिल्कुल रियल ही बताता हूँ, उसमें कुछ भी झूठ वाली बात नहीं है। तो ये जो बाइक है थोड़ी सी वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ हो रही है, एक होता है कि वैल्यू फॉर मनी और एक होता है कि क्वालिटी वाइज अच्छी। तो भाई क्वालिटी वाइज ये अच्छी है, नो डाउट पैशन प्रो से क्वालिटी वाइज अच्छी है, लेकिन पैशन प्रो से अप्रोक्स 5000 ये ज़्यादा कॉस्टली भी है, 5000 रुपये आपको ज़्यादा पे भी करने पड़ेंगे। तो भाई अगर आप 5000 ज़्यादा देने के लिए रेडी हैं तो फिर यार काफ़ी अच्छी बाइक है, पैशन प्रो से तो परफेक्ट है ये। लेकिन अगर आप सस्ती बाइक ढूंढ रहे हैं, आपको थोड़ा बजट कम है, तो फिर आप पैशन प्रो ले लो, वो बाइक भाई वैल्यू फॉर मनी है, उसमें आपका पूरा पैसा वसूल है। ये थोड़ी कॉस्टली है और सीधे शब्दों में कहूँ तो थोड़ी सी ओवर प्राइज्ड है ये, 4-5000 रुपये सस्ती रहती तो फिर भाई कोई कंपटीशन नहीं था इसका, जैसा कि ये पहले आया करती थी BS4 में, उस टाइम में भाई सबसे बेस्ट 110cc में बाइक हुआ करती थी, लेकिन अभी थोड़ा कॉस्टली हो गई है। चलो खाली रोड है, अभी इसको भगाते वाइब्रेशन टेस्ट भी हो जाएगा। तो भाई अप्रोक्स 80 तक गई है बाइक, वाइब्रेशन तो नहीं है भाई इस बाइक में, हालांकि 80 के बाद हल्का हल्का सा थोड़ा बहुत वाइब्रेशन लगा मुझे फुटरेस्ट में, हैंडल बार में तो नहीं लगा, थोड़ा फुटरेस्ट में लगा मुझे, बाकी ऐसा वाइब्रेशन नहीं है कि कोई आपको दिक्कत हो। तो भाई राइड रिव्यू मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट है इसका, और मेरी तरफ से जो मैं पॉइंट आपको बताता हूँ वो ये है कि इसमें जो ब्रेकिंग है, अगर आप डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलेगी, हालांकि ड्रम वेरिएंट की भी अच्छी है लेकिन डिस्क में आपको और ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि मैंने डिस्क वेरिएंट चला रखा है, मेरे दोस्त के पास है BS4, तो उसकी जो डिस्क ब्रेकिंग की ब्रेकिंग है काफ़ी अच्छी है। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप होंडा लीवो लेना चाहते हैं तो उसके डिस्क वेरिएंट के लिए जाएँ, हालांकि डिस्क वेरिएंट की प्राइस यार आई नहीं है 2-3 हज़ार रुपये और महंगा ही होगा वो, और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है जयपुर के अंदर वो है 78,078 रुपये, तो ये इसकी प्राइस है। और क्या बोलूँ यार, थोड़ी सी है ज़्यादा, लेकिन यार बाइक में कोई कमी नहीं है, प्राइस के बारे में आप देख लेना अपने हिसाब से, मैंने बता दिया। लेकिन बाइक की अगर आप मेरे से पूछो तो बाइक बिल्कुल परफेक्ट है, सीटिंग पोजिशन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी चलती है, रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है इस बाइक का, और यार सीटिंग पोजीशन वगैरह कंफर्ट एवरीथिंग इज़ ओके। 110cc के हिसाब से यार काफ़ी सही लगी मुझे बाइक, और पावर वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो भाई यही था आज का वीडियो, यही था इस बाइक का राइड रिव्यू, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी टॉप स्पीड। तो टॉप स्पीड के बारे में अगर आपको जानना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो आने वाला वीडियो होगा भाई इसका टॉप स्पीड का। और भाई ये वीडियो अच्छा लगा, अपने भाई की मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप लाइक करते हो तो यार नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।